हेलो हेलो, नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ही यूट्यूब चैनल राजस्थान क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज कंप्यूटर की क्विज पढ़ेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंप्यूटर की क्विज पढ़ेंगे, कंप्यूटर की मेमोरी से संबंधित पढ़ेंगे, कंप्यूटर सिस्टम के संबंधित पढ़ेंगे। दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है, मेमोरी कितने प्रकार की होती है? जी हाँ, कितने प्रकार की होती है मेमोरी? प्राइमरी, मुख्य, कैश एवं सेकेंडरी या उपरोक्त सभी, इनमें से कौन सी मेमोरी होगी? ये उत्तर देना है दोस्तों आपको। क्या होगा उत्तर इसका? प्राइमरी, मुख्य, कैश, सेकेंडरी या उपरोक्त सभी? जी हाँ, बिल्कुल सही उत्तर है, जिन्होंने द ऑप्शन चुना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता वाली कलाकृतियाँ, बिल्डिंग प्लान, सर्किट डायग्राम आदि को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर काम में लिया जाता है। इंजीनियरिंग की उच्च गुणवत्ता के लिए कलाकृतियों और बिल्डिंग प्लान के लिए जो डायग्राम को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर काम में ले जाता है, वो कौन सा प्रिंटर होता है? जी हाँ, ये जो है आपको उत्तर देना है, जिसका ऑप्शन जो होगा वो होगा द ऑप्शन, सही उत्तर है प्लॉटर प्रिंटर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा, आप है जो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। देखिए, आप नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए जो हर रोज़ इसी प्रकार राजस्थान पुलिस, राजस्थान पटवारी और राजस्थान हाई कोर्ट से संबंधित हम फ्री मटेरियल है जो लेकर आ रहे हैं, हर रोज़ क्विज लेकर आ रहे हैं, थ्योरी के साथ क्लास लेकर आ रहे हैं हर सब्जेक्ट की। तो दोस्तों है जो, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन दबा के अपने मित्रों के साथ है जो शेयर भी ज़रूर करें। चलिए क्वेश्चन क्या है आपके लिए बात करते हैं। लोगों की एक बड़ी संख्या के लिए कंप्यूटर आउटपुट प्रदर्शित करने व मीटिंग और कॉन्फ्रेंस के द्वारा प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए उपयोग में लिया जाता है, वो कौन सा प्रोजेक्टर या कंप्यूटर है? वो क्या मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर या मल्टीमीडिया स्पीकर या मल्टीमीडिया प्रिंटर या फिर मल्टीमीडिया कीबोर्ड? ये है जो उत्तर देना है आपको। बिल्कुल ए उत्तर है जो सही है, मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर है जो लोगों को स्क्रीन के सामने बड़ी संख्या में दिखा सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन थोड़े बड़े से हैं और साइज़ भी बड़ी है, इससे भी आपको लग सकते हैं जो फॉन्ट की साइज़ है, और वैसे क्वेश्चन बड़े हैं, कई बार एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। फैक्स मशीन, मॉडेम, मल्टी फंक्शन प्रिंटर, प्रिंटर स्कैनर और कॉपियर, टच स्क्रीन डिस्प्ले, डिस्प्ले कैमरा जो है वो इत्यादि क्या है? इनपुट है, आउटपुट है, रब दोनों है? दोस्तों जो इनपुट और आउटपुट पूछे गए एक क्वेश्चन में, वो पूरे उदाहरण एक क्वेश्चन में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो मित्रों जैसे अब इसका उत्तर देना है आपको, फैक्स मशीन मॉडेम का आउटपुट है या फिर इनपुट है? जी बिल्कुल सही उत्तर है, क्या है ये? इनपुट भी है और आउटपुट भी है, ये चीज़ें हैं जो तीसरी कैटेगरी के अंदर आते हैं। न तो इनपुट है केवल, न केवल आउटपुट है, ये दोनों के अंतर्गत आते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। चलिए आगे बढ़ते हैं, टेलीफोन लाइन पर प्राप्त एनालॉग संकेतों को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है, कौन करता है? ये उत्तर देना है आपको, बिल्कुल सही उत्तर है, जिन्होंने सी ऑप्शन चुना सही उत्तर है, मॉडेम है जो डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति बढ़ा देती है, प्राइमरी, कैश मेमोरी, सेकंड मेमोरी या उपरोक्त सभी? सीपीयू और मुख्य मेमोरी की गति कौन बढ़ा देती है? जी हाँ, सही उत्तर है, कैश मेमोरी है जो बढ़ा देती है, कौन सी? कैश मेमोरी। आपको याद रखना, ये मेमोरी संबंधित क्वेश्चन हर एग्जाम्स में आते हैं, एक दो क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीपीयू द्वारा बार बार किस मेमोरी को इस्तेमाल किया जाता है, प्राइमरी, कैश, सेकेंडरी या उपरोक्त सभी? ये चीज़ें क्लियर करनी है आपको। जी बिल्कुल, ये भी है जो सही उत्तर, क्या है? कैश मेमोरी है, कैश मेमोरी ब है जो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है, कौन करती है? सेकेंडरी मेमोरी, कैश मेमोरी या प्राइमरी मेमोरी या फिर उपरोक्त सभी मेमोरियाँ जो डेटा जो है स्टोर करती है? बिल्कुल सही उत्तर क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है बी, कौन सा? कैश मेमोरी। दोस्तों जिन्होंने कैश मेमोरी लिखा वो सही उत्तर है। कैश मेमोरी की सीमाएं है क्या? सीमा सीमित है, बहुत महंगी है, कौन सा उत्तर है आपका? देखिए, सीमित भी है और बहुत महंगी भी है, और दोनों है तो यहाँ पर स है जो सही होगा, मतलब
और ब दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में कंप्यूटर जो काम कर रहा है उस डेटा और निर्देश को जमा रखती है, कौन रखती है, कौन सी मेमोरी रखती है। वर्तमान में कंप्यूटर जो काम कर रहा है उस डेटा को निर्देश को डेटा और निर्देश को जमा रखती है, वो रखती है प्राइमरी मेमोरी। कौन सी प्राइमरी मेमोरी सही उत्तर है, अ है जो सही उत्तर है। दोस्तों जो है ये क्विज कितनी है, 25 जो है क्वेश्चन की क्वेज है। दोस्तों वीडियो को है जो पूरा पूरा ज़रूर देखें, जो कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो है जो आज अपन लेके आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब बिजली बंद हो जाती है तो डेटा खो देती है, कौन सी मेमोरी, प्राइमरी, कैश या सेकेंडरी। जब बिजली खो जाती है, बंद हो जाती है, तो जो डेटा खो जाती है वो कौन सी मेमोरी खो जाती है। जी हाँ बिल्कुल, प्राइमरी मेमोरी है जो बिजली बंद होने पर डेटा है जो खो देती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी एवं मुख्य मेमोरी के उदाहरण। प्राइमरी एवं मुख्य मेमोरी के उदाहरण बताने आपको, कौन से, रैम, रोम। बिल्कुल सही उत्तर है, प्राइमरी मेमोरी के जो उदाहरण है वो दोनों है, रैम और रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। रैम की फुल फॉर्म क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, और ये है रीड ओनली मेमोरी फुल फॉर्म है। ये दोनों प्राइमरी मेमोरी के उदाहरण है, दोनों भाग है। दोस्तों वो भी पढ़ेंगे अपन थ्योरी के अंदर, तो है जो आप वेट करेंगे और थ्योरी के अंदर भी पढ़ेंगे। और वो जो मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में भी कि शॉर्टकट ट्रिक जो है वो भी पढ़ेंगे, और जो फुल फॉर्म है जो भी, जैसे कि रैम की फुल फॉर्म क्या है वो भी हम पढ़ेंगे। इस प्रकार सबकी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी वर्ड आते हैं उसकी फुल फॉर्म हम पढ़ेंगे। चलिए इस क्विज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है। निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की है, पी रोम, ई पी रोम या रैम या रोम। जी आपको ये उत्तर देना है, वोलेटाइल कहते हैं जिसे, अस्थिर प्रकृति की रैम वो होती है दोस्तों, रैम। ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। डेजी व्हील्स प्रिंटर का एक प्रकार है, डेजी व्हील्स प्रिंटर का एक प्रकार है कौन सा, क्या है। ये है जो बिल्कुल सही उत्तर है, बी है जो सही, इंपैक्ट प्रिंटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी मेमोरी प्रति सेकंड कई बार रिफ्रेश होती है, स्टैटिक रैम, रोम या डायनेमिक रैम या ईप्रोम, ईपी रोम। उत्तर आपको देना है, जी बिल्कुल, आपका जो भी उत्तर है वो लिखें यहाँ पर। जी बिल्कुल, डायनामिक रैम, डायनामिक रैम। तो उत्तर क्या होगा, स है जो सही उत्तर है, कौन सा, स। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लेवे, स उत्तर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है एवं पढ़ता भी है। तो दोस्तों ये उत्तर जो होगा, मैग्नेटिक टेप या पंच्ड कार्ड रीडर या ऑप्टिकल स्कैनर या ओएमआर। ये है जो सही उत्तर क्या होगा, एक ऑप्टिकल इनपुट का जो है डिवाइस का जो पेपर पर बने पेंसिल के निशान को स्कैन करता है एवं पढ़ता भी है, वो कौन सा होता है, वो होता है ओएमआर शीट। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, हार्ड डिस्क से या प्रोसेसर या मेमोरी क्षमता या उपरोक्त सभी। जी इसमें जो आपको उत्तर देना है, जल्दी उत्तर देना है, कंप्यूटर के कॉन्फ़िगरेशन से क्या मतलब है, डी उत्तर सही है, मतलब कि हार्ड डिस्क के संबंधित है, प्रोसेसर भी है और मेमोरी क्षमता भी है। तो ये हो गया कंप्यूटर का कॉन्फ़िगरेशन। चलिए आगे क्या है, निम्नलिखित में से जो सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन करता है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली वेक्टर ग्राफिक्स का उदाहरण है या उत्पादन करता है, कौन करता है, एग्जैक्ट, प्लॉटर, डॉट मैट्रिक्स या प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। जी बिल्कुल सही उत्तर है, ब ऑप्शन सही है, प्लॉटर, प्लॉटर है जो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीपीआई का विस्तृत रूप क्या है, विस्तृत रूप है जो हम अलग से पढ़ेंगे, ये है जो बीच में क्वेश्चन लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर है जो क्या उत्तर है, अ है, ब है, स है या द है, डीपीआई का विस्तृत रूप। बिल्कुल सही उत्तर ब है, डॉट प्रति इंच,
डॉट प्रति इंच। चलिए आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर के साथ संयोजन में प्रयुक्त कौन सा प्रिंटर टोनर का उपयोग करता है, ये उत्तर आपको देना है। ये जो नॉर्मली सबके लिए यूज आता है, बिल्कुल सही उत्तर है जो है वो है लेजर प्रिंटर। कौन सा है? लेजर प्रिंटर स है जो सही उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा एक डेटा भंडारण डेटा स्टोरेज डिवाइस है, स्पीकर है, माउस है, हार्ड ड्राइव है या मॉनिटर है? स्पीकर आवाज़ के लिए होता है, माउस काम आता है और मॉनिटर है जो प्रदर्शित स्क्रीन प्रदर्शित करने के लिए काम आता है। तो दोस्तों हार्ड ड्राइव जो है ये है जो भंडारण के लिए काम आता है। चलिए आगे क्या है क्वेश्चन। ऐसी कौन सी मेमोरी है जिसका प्रयोग रैम द्वारा अधिक बार प्रयोग में आने वाली सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, वो कौन सी मेमोरी है, वो कौन सी मेमोरी है? तो बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ए ऑप्शन है जिन्होंने चुना, अ कैश मेमोरी है जो सही उत्तर है यहाँ पर। चलिए आगे, वर्म डिस्क का अर्थ क्या है? राइट वंस रीड मैनी, मतलब दोस्तों इसमें जो आपको उत्तर देना है, अ ब स द, राइट ऑन रीड माइक्रोफोन या विथ वंस रिकॉर्ड मैनी या राइट वंस रिकॉर्ड मैनी, इसमें से वर्म डिस्क का अर्थ क्या है? जी हाँ बिल्कुल सही उत्तर है जिन्होंने ए ऑप्शन चुना है, राइट वंस रीड मैनी। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस युक्ति का प्रयोग प्रत्यक्ष रूप से इनपुट प्रिंटेड टेक्स्ट के लिए किया जाता है, MICR, OMR, OFR, OCR? जी बिल्कुल यहाँ पर उत्तर आपका क्या होगा? OCR होगा, डी ऑप्शन है जो सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर हेतु प्रयुक्त कंप्यूटर हेतु प्रयुक्त संक्षिप्त रूप KB का अर्थ क्या है? दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, इसका आंसर ज़रूर देना, जिन्होंने आंसर नहीं दिए ना अभी तक उन ये वो लोग ज़रूर आंसर दें, वो विद्यार्थी ज़रूर आंसर दें यहाँ पर। कंप्यूटर हेतु प्रयुक्त संक्षिप्त रूप KB का अर्थ है वो क्या है? KB का अर्थ किलोबाइट है, किलोबिट्स है, किलोबायोस है या उपरोक्त सभी है? उपरोक्त सभी तो होगा नहीं, एक ही होगा, तो दोस्तों क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल सही उत्तर है, KB का अर्थ जो होता है वो होता है किलोबाइट, फुल फॉर्म जो होती है किलोबाइट होती है, मतलब कि ऑप्शन सही उत्तर है। तो दोस्तों आज की क्विज हमारी पूरी हुई। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल बटन ज़रूर दबाएं, अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो दोस्तों हम हर रोज़ जो कंप्यूटर की, राजस्थान GK की, इंग्लिश की, मैथ्स की, रीजनिंग की हर रोज़ वीडियो अपलोड कर रहे हैं, आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए है जो आपके लिए हम हर रोज़ फ्री मटेरियल उपलब्ध करवा रहे हैं, स्टडी मटेरियल। तो दोस्तों वीडियो को अभी से शेयर करें और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।